हेलो फ्रेंड्स मैं नितेश कुमार आपका आपके ही यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैलकुलेट में यहाँ पर देखिए शुगर स्टॉक्स दिया गया था श्री रेणु का शुगर आज इसने कमाल करके दिखाया और 20 परसेंट का अपर सर्किट और अभी ये रैली कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी क्यों क्योंकि अगेन इसमें ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दिया है जो अगला वीडियो आएगा उसमें यहाँ पर इससे रिलेटेड बात करी जाएगी इसके अलावा एक कुछ दिन पहले यहाँ पर सात दिन पहले एक स्टॉक्स दिया गया था जिसका नाम है यहाँ पर बी इंटरनेशनल यहाँ देख सकते हैं बी इंटरनेशनल सात दिनों में यहाँ पर सात दिन में यहाँ पर दो सैटरडे एक सैटरडे संडे भी था तो दो दिन घटा देंगे फाइव डेज के अंदर अंदर फाइव भी नहीं फोर डेज के अंदर अंदर इसने

ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस से मिले एज वेल एज ये नंबर दे रखे आप हमें यहाँ पर कॉन्टेक्ट करके हमारी फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठा सकते हैं तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हम बात करेंगे आज एक एक और और शुगर से रिलेटेड यहां पर पर ब्रेकआउट होता हुआ नजर नजर आ आ रहा है और अच्छा खासा है यहाँ पर आपको अच्छे गेन सकते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है सबसे रिलेटेड यहां पर बात करेंगे हम बात करने वाले हैं बजाज हिंदुस्तान शुगर से रिलेटेड बजाज हिंदुस्तान शुगर से रिलेटेड हम यहाँ पर बात करेंगे तो बजाज हिंदुस्तान शुगर की अगर हम बात करें तो ये जैसे ही बात हो रही है शुगर की तो यहां पर याद रखिए भारत को जितनी शुगर एथेनॉल की जरूरत है वो यहां पर पूरी नहीं कर पाएगा इंडिया Okay, क्यों क्योंकि अभी हाफ ही कैपेसिटी है पर धीरे धीरे याद रखिए वो कैपेसिटी यहाँ पर पूरी की जाएगी एज एज वेल हम इस पर्टिकुलर स्टॉक्स की बात करें बजाज शुगर की तो ये जो शुगर है ये एशिया की नंबर वन एज वेल एज वर्ल्ड की नंबर चार की यहाँ पर इंटीग्रेटेड शुगर कंपनी है यहाँ पर इनका पूरा प्रोसेस देख सकते हैं किस तरीके शुगर बनाते हैं किस तरीके से ये एल्कोहल बनाते हैं किस तरीके से एथेनॉल बनाते हैं और किस तरीके से ये कंपनी यहाँ पर पावर जनरेशन से रिलेटेड काम करती है तो ये सब चीज यहाँ पर मिलेगी तो एक बार इनकी वेबसाइट पर जाइएगा देखिएगा पढ़िएगा तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी किस तरीके से इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है शुगर मैन्युफैक्चरिंग मे, प्रोसेस बाय प्रोडक्ट बायो कंपोजिट बायो मैन्योर क्वालिटी स्टैंडर्ड शुगर क्वालिटी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस ये सारी की सारी ये चीजें करते हुए दिखाई देते हैं तो एक बार जाके इनकी वेबसाइट को विजिट करिए तो आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पर समझ में आती हुई दिखाई देगी तो कंपनी की अच्छी खासी कैपेसिटी है और धीरे धीरे ये शायद अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज भी करेंगे बट कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है कुछ न्यूज बेस अगर बाइंग हो रही है तो कुछ यहां पर आपको अलर्ट भी रहना है तो हमेशा लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो तो वहां बनाइए जहां पर आपको सेफ्टी मिले बट शॉर्ट टर्म का पोर्टफोलियो इन्हीं स्टॉक्स से बनेगा इन्हीं स्टॉक्स में आपको अच्छे खासे पैसे बनते हुए नजर आएंगे क्योंकि यही स्टॉक्स है जो आपको छोटे टाइम में अच्छे खासे पैसे देंगे और स्मॉल कैप और मिड कैप ही वो यहाँ पर काम करते हुए नजर आएंगे मार्केट कैप बाईस नब्बे करोड़ के आसपास है करोड़ मतलब स्मॉल कैप कंपनी है स्मॉल कैप कंपनी मतलब यहाँ पर अगर चीजें गिरती हुई नजर आएगी तो बहुत बेहतरीन तरीके से गिरेगी और जब भागती हुई नजर आएगी तो उसी तरीके से आपको रिटर्न भी मिलते हुए नजर आएंगे इसके अलावा प्लेज परसेंटेज की बात करें हंड्रेड परसेंट का प्लेज मतलब प्रोमोटर्स के पास जितने शेयर है सारे के सारे उन्होंने क्या कर रखे गिरवी रख रखे हैं ए टू जेड शेयर यहाँ पर गिरवी रख रखे हैं तो यहाँ पर एक अलर्ट आता हुआ दिखाई देता है बट शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें और भी चीजें देखनी है कि एफ है डी है या नहीं है वो सारी चीजें देखेंगे तो हमें अच्छा खासा रिलायबल यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा कि हाँ शेयर अच्छा खासा बुक वैल्यू 18.3 है और ये शेयर 18 पे चल, चल रहा है तो लगभग उसी के आसपास ये शेयर चल रहा है तो यहाँ ना ज्यादा महंगा है शेयर ना ही ज्यादा सस्ता है इस शेयर को तो याद रखिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न कभी ये शेयर पांच सौ रुपए को हुआ करता था निगेटिव चार्ट पैटर्न है ओके okay, इस तरीके के चार्ट पैटर्न में कभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत करिएगा क्यों क्योंकि कंपनी का प्रमोटर सी प्लेजिंग किए हुए वो और वो भी आ, दो चार पांच परसेंट नहीं पूरे हंड्रेड परसेंट के शेयर तो ऐसी कंपनी में लॉन्ग टर्म नहीं बट शॉर्ट टर्म के मामले में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छे खासे पैसे आपके बनते हुए नजर आते हैं वो कैसे बनेंगे वो अभी चार्ट पे चलेंगे तब दिखाएंगे तो नेगेटिव पॉइंट्स ये भी है हंड्रेड परसेंट प्लेजिंग नेगेटिव पॉइंट्स क्या है कि कंपनी की सेल्स लगातार गिरती हुई नजर आ रही है रेनुका की बात करी थी अच्छे रिजल्ट से सेल्स की बात करें यहां पर नेगेटिव यहाँ पर से सेल्स है इसके अलावा यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें जो कभी पॉजिटिव हुआ करता था वो बिल्कुल नेगेटिव है और अच्छा खासा तो क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर नेट ईयरली बेसिस पे बात करें यहाँ पर एक बार स्टैंड स्टैंड लॉन नंबर्स भी देख लेते हैं तो उससे आइडिया लग जाएगा वो भी नेगेटिव है यहाँ पर ईयरली बेसिस पे बात करें तो ईयरली बेसिस पे एक फ्लैट मतलब ना ही ज्यादा बढ़ रहा है शेयर ना ही घटता हुआ नजर आता है एक फ्लैट यहाँ पर सेल्स है नेट प्रॉफिट की बात करें वो धीरे धीरे यहाँ पर जब पंद्रह सो करोड़ की यहां पर लॉस हुआ करता था वो धीरे धीरे कम हो रहा है क्यों कम हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो इनकी डेट था जो सात करोड़ के आसपास का डेट था वो इन्होंने कम करके लगभग पांच करोड़ का कर दिया और जैसे जैसे डेट को कम करते जाएंगे यहां पर कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी एट दैट टाइम यू कैन थिंक अबाउट इट की यहां पर इन्वेस्ट करना है या नहीं रिजर्व की बात करें रिजर्व यहाँ पर सत्ताईस या अट्ठाइस करोड़ के आसपास का है वर्किंग प्रोग्रेस

कि इसका मतलब क्या है इन्होंने अपनी हिस्सेदारी थोड़ी बहुत छुड़ाई होगी पर मार्केट से खरीदे होंगे और या फिर डीआईएस भी यहाँ पर बेचते हुए नजर आए तो इन्होंने डीआईएस जो जो डीआईएस ने बेचा है वो प्रमोटर्स ने यहाँ पर खरीद लिया है एफ आई यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गए और यहाँ पर पब्लिक की बात करें सैंतालीस के शेयर है बट सैंतालीस के शेयर में भी अगर देखेंगे कुछ लोग यहाँ पर शामिल है अब एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्या कि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अगर प्रमोटर्स यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग यहां पर ज्यादा होती नजर आए धीरे 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 यहाँ पर ज्यादा होती नजर आए और 90 परसेंट एटी परसेंट नाइन्टी परसेंट हो जाए तो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना बट यहाँ पर इस पर अगर देखेंगे तो थी वो फोर एट हो गई है और थोड़ी बहुत यहाँ पर कम होती ही दिखाई दे रही है ज्यादा होती ही दिखाई नहीं दे रही है डी आई एस भी है, है प्रमोटर्स भी खरीद रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आप बिलीव कर सके चल सकते हैं बट स्टिल लॉन्ग टर्म के पर्पज से शेयर नहीं है शॉर्ट टर्म के पर्पज से है, एक दिन के पर्पज से इंटर के पर्पज से बना सकते है। तो हम आगे बढ़ते और देखते हैं तो है बजाज हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक चार्ट में ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है आज के दिन ये अठारह रुपए पे जाता हुआ दिखाई दी ये अपर सर्किट में ही था ओके लगभग टेन परसेंट का परसेंट लगा हुआ था बट हुआ क्या मार्केट से

तो स्टॉप लॉस आप इसका आज का लो सत्रह रुपए के आसपास लगा सकते हैं एक रुपए के नीचे यहाँ पर लगा सकते हैं या फिर और स्टॉप लॉस की बात करो पर लगा सकते हैं तो यहां पर स्टॉप लॉस मार्केट गिरेगी तो स्टॉप लॉस भी हिट हो ही जाते हैं तो यहां पर करना क्या है स्टॉप लॉस आपको थोड़ा सा गहरा लगा देते हैं तो अच्छा रहेगा सत्रह रुपए का क्यों क्योंकि ऊपर जाती हुई चीजें दिखाई दे रही है सत्रह रुपए का स्टॉप लॉस और यहाँ पर यह पर्टिकुलर एटीन पॉइंट टू फाइव को क्रॉस कर देता है एटीन पॉइंट थर्टी एटीन साढ़े आठ अठारह रुपए से ऊपर चलना शुरू करता है तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं तो सबसे सबसे पहला पहला लेवल 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 क्या होगा सबसे पहला लेवल होगा ये जो ये ये जो वाला लेवल है ओके अगर कि बीस आप रुपए कर, कर देता है तो याद रखिए हुआ दिखाई दे रहा है कितने पे सीधे जाते हुए दिखाई दे रहा है इसका ऑल टाइम हाई जो ये था चौबीस रुपए के आसपास ओके चौबीस रुपए पैसठ पैसठ पैसे, पैसे, पैसे यहाँ पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि कितने हैं लगभग छत्तीस परसेंट के रिटर्न ये बनते हुए नजर आ रहे हैं तो यहां पर से सीधे छत्तीस परसेंट का और ये राउंडिंग बॉटम बना के थी थोड़ी बहुत पर ऊपर नीचे करके जाती हुई दिखाई दे रही है। और यहां तक जाता हुआ शेयर दिखाई दे रहा है तो यहाँ तक के लिए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस लेवल को भी क्रॉस किया तो याद रखिए ये शेयर शायद आपको और ऊपर के लेवल शायद तीस के लेवल और पैंतीस के लेवल भी दिखा सकता है ज्यादा आपको लालची होना नहीं है इस स्टॉक्स में थोड़ा अगर हो चुपचाप आपको करना है और ये अगर 20 के ये लेवल को क्रॉस करता है तो एक लेवल और यहाँ पर चीजें और भागती हुई दिखाई दे सकती है तो उन छत्तीस परसेंट का यहाँ पर रिटर्न बनते हुए दिखाई दे रहे रिस्क की बात करें तो देखिए शेयर ने एक बेहतरीन यहाँ पर आ, अगर हम देखें कंसोलिडेशन किया है और नीचे का एक बेहतरीन सपोर्ट की बात करूं तो शे, शेयर यहां बारह रुपए पे आ सकता है ओके इसके अलावा हम एक और सपोर्ट की बात करूं तो ये सपोर्ट सबसे ज्यादा बेहतरीन है चौदह रुपए का तो यहां पर चार रुपए का नीचे का डाउन साइड दिखा रहा है और और यहां पर गिरा तो ये बारह रुपए के आसपास आ सकता है बट यहाँ से भागना शुरू किया तो ये अठारह वाला चौबीस हो सकता है और अच्छे खासे रिटर्न आपके बन सकते हैं दोनों साइड इक्वल फिफ्टी फिफ्टी का रेशो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ओके रिस्क भी इतना ही है रिवॉर्ड भी इतना ही है और ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है तो रिवॉर्ड ज्यादा दिखाई दे रहा है रिस्क